हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तिरुपति एकेडमी। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता ही है कि कल जो है वो 20 सितंबर को आप लोगों का मॉक अलॉटमेंट 2 का रिजल्ट आने वाला है, और मॉक अलॉटमेंट 1 का जो रिजल्ट आया था 18 सितंबर को, आप में से काफी सारे बच्चों को जो है वो सीट नहीं मिला था, ठीक है। और कुछ बच्चों को सीट मिला भी था, तो क्या 100% वही सीट कन्फर्मेशन है? आज जो हमारा लास्ट डेट कब तक है चॉइस फिलिंग का, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहली बात बच्चों ये कि आज जो है वो शाम के 5 बजे तक आप में से जितने भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर चुके होंगे उन सभी के पोर्टल में कल जो है मॉर्निंग में 10 AM में मॉक अलॉटमेंट 2 का रिजल्ट आप लोगों को शो हो रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से आप लोग चॉइस फिलिंग कर लेना सही से और रजिस्ट्रेशन भी कर लेना, ठीक है। मॉक अलॉटमेंट 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है, क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, मॉक अलॉटमेंट 1 में जो भी आप लोगों को सीट मिला था, ठीक है, अब ऐसे बच्चे जिनको सीट नहीं मिला था तो उनका रैंक उतना बेटर नहीं है, परेशान नहीं होना है, जोसा के लास्ट राउंड तक जाओ, राउंड 6 में मिलने के चांसेस होगा। हमारा सीएसएफ जो काउंसलिंग होता है, सीएसएफ काउंसलिंग, उसमें आप लोगों को 100% मिल जाएगा, क्योंकि काफी सारे जीएफटीएस हमारे जो कि 3-3, 4-4 लाख रैंक तक में भी आप लोगों को मिल रहा होता है, ठीक है ना। So, परेशान मत होना, ठीक है बच्चों। अब बाकी बच्चों, ऐसे स्टूडेंट जिनको मॉक अलॉटमेंट 1 में कोई सीट मिला था तो क्या वो कंफर्मेशन था? तो नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। अब होता क्या है कि 17 ऑफ सितंबर तक जितने भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था उसके बेसिस पे मॉक अलॉटमेंट 1 का रिजल्ट आया था, ठीक है, और ऑब्वियसली उस टाइम तक काफी कम बच्चे थे, ठीक है ना। लेकिन आज हमारा 19 ऑफ सितंबर हो चुका है, आज तक जो है वो काफी सारे मोस्टली स्टूडेंट जो होंगे ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये है कि मॉक अलॉटमेंट 2 में आप लोगों को जो भी सीट मिलेगा ऑलमोस्ट 100% कंफर्मेशन होगा कि वही सीट आप को जोसा में भी मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। ये समय में आ गया है, तो इसीलिए आगे कि आप लोगों को ध्यान से सीधे चॉइस फिलिंग करना है। आज जो है वो शाम के 5 बजे तक का लास्ट डेट दिया गया है चॉइस फिलिंग का, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हमारा ओवर हो जाएगा, शाम के जो 5 बजे तक का जो टाइम दिया गया है वो मॉक अलॉटमेंट 2 के लिए, यानी कि कल के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग अपना चॉइस फिलिंग जो है वो 21st ऑफ सितंबर के इवनिंग में 5 PM तक कर सकते हो, अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समय में आ गया है, ध्यान से चॉइस फिलिंग कर लेना, मॉक अलॉटमेंट 2 काफी इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है, ठीक है बच्चों। ये समय में आ गया है, और बस यही है बच्चों कि सही से चॉइस फिलिंग करो। अगर आप लोग सही से चॉइस फिलिंग करोगे तभी पॉसिबिलिटीज होगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जनरल कैटेगरी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रैंक कैसे मिलेगा, है ना। चॉइस फिलिंग सही से करोगे तब ना, इतने ज्यादा चॉइसेस है। ऐसे स्टूडेंट जिनके पोर्टल में IITs जो है वो नहीं शो हो रहा है उसके में भी जो चॉइसेस है वो 465 है ना, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। और बेसिकली अगर आप लोग किसी का काउंसलिंग सपोर्ट वाई भी करते हो तो क्या करते हैं, आप लोग को प्रेफरेंस लिस्ट भेज दी जाती है ना, क्या प्रेफरेंस लिस्ट से आप लोग कर पाते हो? काफी दिक्कतें होती है। खैर, दूसरे की बात हम नहीं करेंगे, हमारा पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लो। जैसे बाय करोगे वैसे इंस्टेंट कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद जाकर आप सभी के सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद जाकर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा जाएगा जहां पे 100+ स्टूडेंट हमारे पास हैं, और आप लोगों के रैंक के अकॉर्डिंग जो चॉइस फिलिंग होती है वो हमारी टीम खुद करती है, ठीक है बच्चों। हम लोग अपने हाथों से आप लोगों की चॉइस फिलिंग करते हैं, एंड देन जाके आप लोगों को कॉल करते हैं कि बच्चों आप लोग चेक कर लो, कुछ चेंजेस करना है तो कर लो, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग 4-5 साल से काउंसलिंग करवा रहे हैं तो पूरा एक्सपीरियंस है, रटा हुआ है कि कौन से NITs कौन से GFTS कितने रैंक पे मिलेगा, ठीक है ना। तो जल्दी से बच्चों बाय कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी बाय करोगे उतनी ही जल्दी हम लोग आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो लगभग 100 हो चुके हैं, ठीक है। सो जल्दी से बाय कर लो, सो डेट हम लोग आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। वैसे भी जोसा काउंसलिंग में बच्चों आप लोग को स्टार्टिंग में चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है, उसी चॉइस फिलिंग को पूरे काउंसलिंग में जो है वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। सो ध्यान से कर लेना, क्योंकि बीच में आप लोग को कोई सभी मॉडिफिकेशन का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बाय कर लेना, सिर्फ आप लोग जोसा का ही बाय कर सकते हो। अगर आप लोगों का रैंक जो है वो थोड़ा सा जो है उतना बेटर नहीं है, आप लोग सीसा में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप लोग जोसा प्लस सीसा का बाय कर सकते हो। सीसा में वैसे भी बच्चे 2-3 लाख रैंक पे भी आप लोगों को सीसा ब्रांच मिलता है, ठीक है। सो सही से बाय कर लेना ताकि हम लोग आप लोग की हेल्प कर सकते हैं। साथ में अगर आप लोग किसी स्टेट काउंसलिंग का बाय करना चाहते हो तो वो भी बाय कर सकते हो, काफी सारे स्टेट काउंसलिंग हम लोग करवाते हैं, सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। UPTU, IPU, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, WBJEE, कॉमेट के, MST CT, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो जल्दी से बाय कर लो, सो डेट हम लोग आप लोग की हेल्प कर सकते हैं। कोई और डाउट है कि मैं आपसे बता देना, चैनल पर रेगुलर इतनी वीडियो आ रहा है आप लोगों के लिए, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ रहा है, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बल्कि प्रेस कर लेना, वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करो ताकि उनके भी नॉलेज बिल्ड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल नेक्स्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय।